हेलो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम डिफरेंट टाइप ऑफ हॉर्न्स का रिव्यू करेंगे। एक्चुअल में आज के वीडियो में जितने भी आपको हॉर्न दिखाए जाएंगे सभी जो है प्रेशर एयर हॉर्न्स की तरह यूज़ कर सकते हो और सभी का जो है प्रॉपर वर्किंग आपको दिखाया जाएगा। साउंड टेस्ट जो है आज के वीडियो में करवाएंगे। तो आज की वीडियो के लिए हमारे पास टोटल 4 हॉर्न है, जिसके अंदर हम स्टार्टिंग करते हैं सबसे पहले सबसे सस्ते वाले हॉर्न से। सो ये जो है एक मोक्सी ब्रांड का हॉर्न है। एक्चुअल में सस्ते से मेरा मतलब बिल्कुल चीप क्वालिटी नहीं है। इन हॉर्न की जो है 6 महीने की रिप्लेसमेंट गारंटी भी आती है, तो ये अच्छी क्वालिटी के ही हॉर्न है। और इस तरह के आपको हॉर्न आपके लोकल मार्केट में कॉमनली बहुत सारे मिल जाएंगे, क्योंकि इस तरह के अलग अलग ब्रांड के बहुत सारे हॉर्न जो है आफ्टर मार्केट अवेलेबल है। लेकिन सारी जो बात है बिल्ड क्वालिटी और इनकी जो चलने की लाइफ होती है इस पर डिपेंड करती है। सो गाइस, सबसे पहले मैं आपको एक क्लियर कर दूं, ये हॉर्न वाटरप्रूफ बिल्कुल भी नहीं है। अगर आप इनको वॉशिंग के टाइम ढकोगे नहीं तो ये इनके ख़राब होने के बहुत से चांसेस रहते हैं। ये काफ़ी सस्ती रेंज में जो ये स्टार्ट हो जाते हैं। इनका कोई फिक्स प्राइस रेंज नहीं है, ये आपको हर सिटी में हर स्टेट में अलग अलग रेट में मिलेंगे। तो सभी जो है 12 वोल्ट से चलते हैं, DC कनेक्शन पर काम करेंगे। सो इंस्टॉलेशन करने से पहले आप एक बार वायरिंग में रिले ज़रूर लगा दें। सो गाइस, ये था इसका साउंड। और अभी जो है अपने पास एक और हॉर्न है जो रिव्यू के लिए आया है। एक्चुअल में ये जो है काफ़ी प्रीमियम बॉक्स के अंदर आता है। सो ये जो है बॉयस कंपनी का जो है एक हॉर्न है और पूरा जो इसका बॉक्स है मेटल का आपको मिलने वाला है। तो एक बॉक्स के अंदर 2 हॉर्न आपको मिलेंगे। एक्चुअल में ये इस तरह के हॉर्न अगर आप यूज़ करते हो तो वैसे तो इनमें कोई दिक्कत नहीं आती, जैसा कि मैंने आपको पहले ही बता दिया ये सिर्फ पानी से ख़राब होते हैं। तो आपको ये चीज़ ध्यान रखनी पड़ेगी, अगर आप बाइक वॉशिंग करते हो या आप सिटी में कभी चलाते हो और बारिश आ जाए तो आपको ये ढकने पड़ेंगे। किसी भी रैपर या पॉलीथीन से आप इनको ढक सकते हो। तो बॉक्स पैकेजिंग काफ़ी शानदार मिली है और हॉर्न भी काफ़ी अच्छी बिल्ड क्वालिटी के लग रहे हैं। तो वेट भी अच्छा खासा है इन हॉर्न में। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कुछ ब्रांडिंग मेंशन है, थोड़ी सी जो है डिटेल्स मेंशन है कि लो पे जो है 410 हर्ट्ज़ पे ये जो है वॉल्यूम देगा। तो अच्छी खासी बिल्ड क्वालिटी है। चलते हैं इसका भी साउंड टेस्ट करते हैं। तो दोनों हॉर्न जो है कुछ इस टाइप के मिलेंगे आपको। हॉर्न के साथ जो है क्लिप और नट बोल्ट आपको साथ ही मिलेगा बॉक्स के अंदर। तो नेक्स्ट हमारे पास जो हॉर्न आता है वो टाइप आर नाम से जो हॉर्न आता है। तो यहाँ पर बॉक्स पे कुछ ज़्यादा कुछ मेंशन नहीं है, एडवांस हॉर्न जो है कुछ ऐसा कुछ लिखा हुआ है यहाँ पे। तो ये भी जो है प्रेशर हॉर्न है, इनको ट्रम्पेट स्टाइल बोलते हैं। पीछे की तरफ आपको 2 हॉर्न को एक साथ जोड़ने के वायरिंग डायग्राम मिल जाएगा, तो ये काफ़ी अच्छी बात है। और इसके अंदर जो है आपको क्लिपिंग एंड नट बोल्ट साथ ही मिलेंगे। तो ये जो मैंने कलर सेलेक्ट किया है ये एक्चुअल में गोल्डन क्रोम हॉर्न है। तो गोल्डन क्रोम जो है ये कलर है, इसके अंदर आपको डिफरेंट बहुत सारे कलर मिल जाएंगे। कलर ऑप्शन में इसके अंदर आपको सिल्वर कलर मिलेगा, पिंक कलर मिलेगा, रेड कलर मिलेगा, ब्लू कलर मिलेगा और सभी इसी तरह से शाइनिंग में हो गए। जैसे एग्जांपल के लिए सिल्वर कलर का जो है इस तरह का मिलेगा, सभी कलर्स आपको शाइनिंग में मिलेंगे। सो गाइज, इन हॉर्न की जो है लाइफ भी अच्छी खासी है, इनमें कोई कंप्लेन नहीं आती। थोड़ी सी कॉस्टिंग में ही आते हैं ये भी, क्योंकि इनकी जो बिल्ड क्वालिटी और जो लाइफ है वो काफ़ी अच्छी रहती है। टू व्हीलर या 4 व्हीलर दोनों में आप इन्हें यूज कर सकते हो। अभी जो हमारे पास हॉर्न है वो आज के वीडियो का सबसे लाउडेस्ट हॉर्न है। ये बहुत ही लाउड हॉर्न है। इसके अंदर जो है आपको हॉर्न तो मिलेगा ही, ट्विन टोन हॉर्न मिलेगा जिसके अंदर आपको ड्यूअल टोन मिलेगी और साथ में जो है इसके एक एयर कंप्रेसर भी साथ लगा मिलेगा। सो गाइस, आपने इस तरह का कंसेप्ट देखा होगा जैसे 3 पाइप और 2 पाइप हॉर्न आते थे, तो उसी हिसाब से इसको जो है जॉइंट करके छोटा सा हॉर्न बना दिया गया है। इसमें मैकेनिज्म वही काम करता है, आपको एक मोटर एयर प्रेशर से जो एयर देगी, एयर प्रेशर से जो है एयर पास करेगी और हॉर्न जो है बजने लगेगा। तो फिटिंग मटेरियल कुछ इस टाइप का है इसके अंदर, आपको जो एक बोल्ट ही मिलेगा। तो आप फिटिंग अपने अकॉर्डिंग कर सकते हो अपने व्हीकल में। 2 व्हीलर 4 व्हीलर दोनों में ये यूजेबल है और आपको इसके साथ रिले साथ ही मिलेगी। तो कंप्लीट इस तरह का एक कपलर मिलेगा और वायरिंग आपको साथ मिलेगी। अगर आपकी बाइक या गाड़ी में ऑलरेडी रिले लगी हुई है वायरिंग में तो आपको ये वायरिंग लगाने की ज़रूरत नहीं है। फिर आपको क्या करना है, इन क्लिपिंग को खोल लेना है और सीधा मोटर के अंदर जो क्लिपिंग लगी है वहाँ पर जो है सीधा कनेक्शन कर देना है।
सो ये कुछ इसके एयर होल्स दिए गए हैं जहाँ से एयर पास होगी। जैसे ये वर्किंग कंडीशन में होगा, ये एयर जो है अपनी तरफ खींचेगा और बाहर की तरफ धकेलेगा हॉर्न के थ्रू, तो वहाँ से जो है साउंड प्रोड्यूस होगी कुछ इस तरह से। सो दोनों तरफ आप देख सकते हैं दो हॉर्न के होल इसके अंदर दिए गए हैं। सो अगर आपकी गाड़ी में, जैसे मैंने आपको बताया था, ऑलरेडी रिले लगी हुई है, तो आपको इस कनेक्शन की ज़रूरत नहीं है। आपने करना क्या है, सीधा इन क्लिपिंग को निकाल लेना है। और क्लिपिंग की तरफ आप देखोगे तो आपको एक ही चीज़ का ध्यान रखना है, यहाँ पे प्लस और माइनस लिखा हुआ है, तो प्लस को आपने प्लस वायरिंग में ही लगाना है, माइनस को माइनस में। अगर आप उल्टा लगाएंगे तो ज़्यादा कुछ नहीं होगा, मोटर जो है एक शोर करेगी लेकिन हॉर्न नहीं बजेगा। सो गाइस, ये थे मेरी आज की वीडियो के डिफरेंट टाइप ऑफ हॉर्न्स। आज की वीडियो में अगर मैं आपको रिकमेंड करूँ तो सभी के सभी हॉर्न बहुत ही ज़्यादा लाउड है। आपको जो है सिटी राइड में ये यूज़ नहीं करना चाहिए। आप अगर हाईवे वगैरह राइड करते हो तो आप इन्हें यूज़ कर सकते हो। और लास्ट में जो हॉर्न बताया मैंने आपको, वो तो सबसे ज़्यादा लाउड है, उसकी आवाज़ तो इवन आप खुद भी नहीं सुन पाओगे, बहुत ज़्यादा लाउड है। लेकिन अगर आप इन सब में से किसी को भी परचेज करना चाहते हो तो उसकी सारी डिटेल जो है डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगी। आप घर बैठे होम डिलीवरी मंगवा सकते हो, हम जो है डायरेक्ट कोरियर के थ्रू आप तक जो है सामान पहुँचा देंगे। उसकी सारी डिटेल आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। आपको करना क्या है, पूरी वीडियो में से जो भी हॉर्न आपको पसंद आए आपको उसका स्क्रीनशॉट खींचना है और नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन के नंबर पर व्हाट्सअप कर देना है। बाकी सारी डिटेल आपको व्हाट्सएप पे मिल जाएगी। सो गाइज, आज का वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।